तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में पार्टी के खराब और अच्छे प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा जिन राज्यों में पार्टी के अंदर खींचतान मची है उस पर भी बातचीत होगी। सबसे अधिक इस बैठक में चर्चा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश देश का वो सूबे है जो तय करता है कि आखिरकार दिल्ली की सिंहासन, दिल्ली की सत्ता पर, दिल्ली की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। और इस बार इसी उत्तर प्रदेश से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चुनावी हार के बाद उत्तर प्रदेश में लगातार जो है सियासी उठापटक देखने को मिली, सियासी गुटबाजी देखने को मिली। ये गुटबाजी कैसे खत्म की जाए इस पर जो है आज बीजेपी दफ्तर में ये बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और खास करके यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की इस बैठक में मौजूदगी है। सबसे अधिक इस बैठक में चर्चा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नाराज होने की खबर सुर्खियों में रही। उन्हें बीच में दिल्ली भी बुलाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में जो है सियासी उठापटक जो चल रही है इस पर जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव है उन्होंने भी बकायदा चुटकी ली थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य को मोहरा बनाया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, जो बीजेपी हेडक्वार्टर में जो बीजेपी शासित राज्यों के जो सीएम है इनकी बैठक चल रही है और इसमें इस बैठक पर सबसे ज्यादा चर्चा जो है उत्तर प्रदेश की होनी है, तो लगता है तकनीकी खराबी होने के कारण हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बैठक में यूपी को लेकर क्या कुछ जो है चर्चा होती है, यूपी को लेकर क्या कुछ फैसला किया जाता है, लगातार हमारी इस पर नजर बनी हुई है क्योंकि इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा जो है उत्तर प्रदेश की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में से 80 लोकसभा की सीटें आती है जिनमें से इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में मात्र 33 सीटें गई। 37 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर जो है आज इस बैठक में चर्चा होगी। हमारे सहयोगी रानू मिश्रा एक बार फिर जो है हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर जो है क्या कुछ सियासी हलचल देखने को मिल रहा है। रानू, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी रानू, यहाँ पर इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश की है क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ अगर कोई दो डिप्टी सीएम की मौजूदगी है इस बैठक में तो वो उत्तर प्रदेश ही है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए बिल्कुल रिद्धि, ये बड़ी अहम मीटिंग हो रही है इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय राजधानी दिल्ली में, जहां पर ये प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक की जा रही है। और इस बैठक का उद्देश्य यही है, हालांकि पहली बात तो यह है कि इसमें सभी राज्यों के जितने भी बीजेपी शासित राज्य है उनके सभी मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के डिप्टी सीएम मौजूद है। उसी के आधार पर बाकायदा उत्तर प्रदेश से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम चाहे ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य, उनकी भी इस मीटिंग में मौजूदगी है। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम जो लोक पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी है। लेकिन इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक का उद्देश्य है कि पार्टी में जो अंदरूनी गुटबाजी चल रही है और इस साल राज्यों में 4 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा का चुनाव भी होना है, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो या फिर झारखंड या फिर जम्मू कश्मीर हो, इन पर भी चर्चा होगी, इस पर भी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो निगाहें टिकी हुई है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सबकी टिकी हुई है इस बैठक में, क्योंकि यूपी की सियासत में जो गुटबाजी का दौर देखने को मिल रहा है अभी लगातार, भले भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो इस बात को
दरकिनार करते रहे हो, खारिज करते रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदरूनी कलह है इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और परिणाम मुताबिक नहीं आए बीजेपी के, उसी के बाद से ही लगातार बैठकें चल रही है। बैठकें ऐसे चल रही है, अभी जब यहाँ पर योगी की हाजिरी है इस मीटिंग में, उससे पहले योगी खुद अपने विधायकों से मिल चुके हैं। मंडलवार मंडल 18 मंडल है उत्तर प्रदेश में, 403 टोटल विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं सभी विधायकों से बाकायदा योगी आदित्यनाथ ने ग्रुप बनाकर मंडल वाइज मंडल विधायकों से मीटिंग कर चुके हैं। उसके बाद पूरी रिपोर्ट लेकर वो आज दिल्ली पहुंचे हुए हैं। लेकिन इस मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आएगा, सवाल ये भी है कि लखनऊ बनाम दिल्ली की जो लड़ाई या फिर जो कह सकते हैं जो सवाल उठ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, ये भी क्लियर हो जाएगा इस मीटिंग से। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब आज इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ से एक मैसेज तो जाएगा बीजेपी शासित राज्यों के लिए कि अंदरूनी कलह नहीं बनाकर रखनी है, आगे जो चुनाव आ रहे हैं उन पर तैयारी कर ली है, और जिन चीजों का कह सकते हैं खामियाजा भुगतने को मिला है अभी लोकसभा चुनाव में, उन पर पूरा फोकस करना है। लेकिन सूत्रों की माने तो राज्यों के मुख्यमंत्री अपने काम का भी हिसाब किताब देंगे, और शायद यही वजह है कि पूरी रानू सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि उत्तर प्रदेश पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्या इस प्रकार का अपडेट्स आपके पास? देखिए बड़ा फैसला ये सियासी गलियारों में सिर्फ चर्चाएं हैं, बड़ा फैसला क्योंकि चर्चाएं तो ये हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की चर्चा चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि जिन केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी कह सकते हैं आला कमान जो है भारतीय जनता पार्टी को, अब वो कह सकते हैं आसमान में बिठाकर इस वक्त रखा हुआ है केशव प्रसाद मौर्य का, उनका उतना वजूद नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ के मुकाबले उत्तर प्रदेश में सियासत में टिक सके। केशव प्रसाद मौर्य या योगी आदित्यनाथ का जब आप कंपेयर करेंगे यूपी की सियासत में तो दोनों में धरती आसमान का फर्क है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी डिपार्टमेंट से, ओबीसी समुदाय से आते हैं तो उनका अपना एक वोट बैंक है, लेकिन अगर केशव प्रसाद मौर्य को आप देखेंगे तो केवल वो दो ही चुनाव जीते हैं अपने करियर में, एक विधानसभा का 2014 में, उससे पहले एक बार वो लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, 12 में विधानसभा, 14 में लोकसभा, उसके बाद वो लगातार चुनाव भी हारते रहे, और अभी 2022 में ही सिराथू से बल्लभी पटेल ने उनको हरा दिया था। तो कुल मिलाकर ये आलाकमान केशव प्रसाद मौर्य को सिर्फ कह सकते हैं आसमान में बिठाना है, सर पे बिठाना, एक ऐसा भी मैसेज है। लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ को हटाने का सवाल है, ये ना के बराबर है, चर्चाएं जरूर ऐसी हैं, चर्चाएं इसलिए भी हैं क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पलटवार कर रहे हैं, और अखिलेश यादव अरानू बात की जाए तो इस बैठक पर विपक्ष की भी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अब बात की जाए तो पहले देखिए वहां पर जो है लखनऊ में कार्य समिति की बैठक बुलाई जाती है, इसमें केशव प्रसाद मौर्य बयान देते हैं कि पार्टी से बड़ा जो है वो संगठन है, और इसके बाद जो है सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई थी कि केशव प्रसाद मौर्य का सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ पर था। उसके एक दिन बाद जो है केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचते हैं, बाकायदा जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, फिर भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।